करते हैं फिर से एक नई वीडियो। तो कल आज घर में कीर्तन है, शिवरात्रि वाला दिन है, जल चढ़ाने जा रहा हूँ शिवलिंग पे। बाकी क्या कहते हैं, आज यहाँ पर कीर्तन होगा तो अभी तैयारी वगैरह कर रहे हैं। कल भी तैयारी कर रहे थे साइड वगैरह पे, आज शायद ही जाऊँ मैं, क्योंकि कल सामान तो मैंने भिजवा ही दिया था। बाकी मिलते हैं गाइज और देखते हैं क्या क्या होता है आज पूरे दिन में। आज बहुत मज़ा आने वाला है, जब कीर्तन होएगा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और क्या नाम है, आज साइड पे मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही जगह जा पाऊंगा, क्योंकि अभी फ़ोन आया था मेरे पास, तो वहाँ पर जाके वीडियो कह रहा हूँ, सामान सामून देना थोड़ा बहुत। आगे निकल गए, प्रसाद मिल गया, केला और एक बेर। तो अब चलते हैं, तैयारी करते हैं एक बार मम्मी की थोड़ी हेल्प करके, उसके बाद मुझे भी निकलना है एक बार साइड पे। ज़्यादा देर नहीं, एक डेढ़ घंटा लगा के आऊँगा, उसके बाद फिर मैं भी वापस आ जाऊँगा। फिर एक बार यहाँ पर थोड़ा प्रसाद वगैरह भी लेके आना, कल थोड़ा सामान लिया था और थोड़ा सा और कह रहा काम तो करना था। एक जगह साइड पर गए थे, वहाँ पर जो टाइल वगैरह टूटनी थी तो मैंने आपको दिखाई दी थी कौन कौन सी टाइल टूटेगी, तो ये टाइल अब तोड़वाएंगे और दोबारा वहाँ पर पिस्टन और डायवेटर लगवा के काम खत्म करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। बाथरूम में जो टाइल टूट रही है, फोटो मोटो लगा लो, टाइल वगैरह सब हटा दो, ढाई लाख रुपये, दो मतलब डेढ़ दो लाख रुपया खर्चा दोबारा से है। और अब नुकसान ही है, मतलब ये डेढ़ दो लाख रुपये का, तो क्या ही कर सकते हैं, होता रहता है। तो बाकी तैयारी चल रही है, अभी पूछते हैं। तैयारी होगी मम्मी? तैयारी होगी है, नोट गिन रही है। गुब्बारे इतने ही फुलाओगे बस? अच्छा, कमी है तो बहुत है। चल रहा है प्रोग्राम और बाकी तैयारी वगैरह सारी हो गई है, प्रसाद वगैरह बांटने की। अब दो तीन घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रास्ता और बंद कर दिया। अब साइड में एक बार गया था मैं, तो वहाँ पर अब जो बाथरूम तोड़ना है उसमें प्लम्बर से कल बात फाइनल हो गई है। अब कल से प्लम्बर तोड़ना स्टार्ट कर देगा बाथरूम को, फिर मैं आपको कल साइड में दिखाऊँगा बाथरूम टूट रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अब क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता काम शुरू और दिक्कत ना आए, दिक्कत तो बहुत आती है। तो गाइस फिर कल मैं आपको साइड पे वहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं साइड पे जाऊंगा नहीं। और दूसरी बात है कि ये है कि अब जब भी मतलब तो गाइस वहाँ से घर पे जो प्रोग्राम था कीर्तन का वो निपट गया, वो मतलब ख़त्म हो गया, प्रसाद वगैरह सब पट गया। तो मैं अपने बाहर दोस्त के पास निकल गया हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक जगह साइड पर गया था तो वहाँ की भी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि 15-20 मिनट के लिए गया था। और वहाँ पर प्लम्बर आया, उससे बातचीत हुई, रेट की बात हुई, दोबारा दूसरा जो मैंने प्लम्बर कराया, क्योंकि वो दूसरा वाला है वो गांव गया है, वो 10-15 दिन बाद आएगा, लखनऊ का है वो, शादी शुदी में गया हुआ है कहीं, तो इतना हम काम रोक नहीं सकते। तो मैंने दूसरा प्लम्बर कर लिया रेट की बात फाइनल करके, और हैंड टू हैंड काम दे दिया उसको, सही पकड़ा दिया। कल से देखते हैं, कल वो अलग बाथरूम तोड़ के भाई अपना काम स्टार्ट कर देगा वो। अब जल्दी से जल्दी उस बाथरूम को वैसी की वैसी कंडीशन में लेके आना जैसे वो अब वो हैं, क्योंकि अब जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई तो देखो करनी पड़ेगी। बाकी क्या ही कर सकते हैं, देखो अब जब क्लाइंट को पसंद नहीं आया, बाकी पहले क्लाइंट कह रहा था कि यही चाहिए हमें, अब क्लाइंट का मूड बदल गया, क्या ही कर सकते हैं गाइस। और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, अब बाथरूम के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, उसमें आपको पता रहेगा कि यार किस चीज़ पर किस जगह पर क्या लगाना चाहिए, तो प्रॉपर हर चीज़ समझा देनी चाहिए। और गाइस मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब भी हम मॉडुलर किचन बनवाते हैं तो नीचे की तरफ जो भी मटेरियल यूज होता है बॉक्स में, उसमें हम हमेशा एक्शन का HDHMR या फिर बॉयलर का यूज़ करें। ऊपर जो स्लैब के ऊपर जो बॉक्स बनते हैं उसमें हम कुछ भी कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई लेना देने वाली बात नहीं। तो गाइस इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये टपटप जा रहे हैं खेचम खेच भाई, गाड़ी घोड़ा आराम चलाया करो, क्योंकि हमारी गली में ही आगे जाके एक बुलेट वाला था, बहुत तेज चलाया करता था, अभी जस्ट लाल कलर की बुलेट थी उसकी, जाता रहता तो दिखाऊंगा, फोटो भी डाल दूंगा मैं, वो गया तो। बाकी उसका एक्सीडेंट हुआ है भाई, हाथ पैर उधर का एक साइड का हिस्सा पूरा टूट गया उसका, तो गाइस क्या ही कर लिया बंदा।
तो मिलते हैं गाइस, अपने दोस्त के पास ही जा रहा हूँ और बस वैसे ही एक बार मिल के आऊँगा उससे, क्योंकि कल भी नहीं गया परसों भी नहीं गया, जाना जरूरी है। कल वीडियो बनाई फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म करके मैं घर पर आया, दोस्त के पास गया था, उसके बाद आने में मुझे लेट हो गया। तो गाइस कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो अब क्या करते हैं कि जो वो वाला बाथरूम था उसका सामान भी लेके आना है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।